घर पे ही बनाए बिल्कुल हलवाई जैसी खस्ता मठरी, और इतनी खस्ता बनेगी फ्रेंड्स, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी मठरी कितनी खस्ता बनी है, देखिए इस तरीके से, और बहुत ही खाने में लाजवाब। तो चलिए फ्रेंड देख लेते हैं हमने इनको कैसे बनाया है। तो मठरी बनाने के लिए यहाँ पे मैं लूँगी एक कटोरी मैदा, जिसको हम छान लेंगे जिससे कि इसके अंदर कोई भी गुठली वगैरह हो तो वो अच्छे से निकल जाए। तो मैदा छान के ही लें, तो मैंने इसको अच्छे से छान लिया है। और यहाँ पे लिए मैंने 2 चम्मच सूजी, इसको भी हम छान लेंगे। आधा चम्मच नमक ऐड करूँगी मैं इसके अंदर, आधा चम्मच नमक लिया है मैंने यहाँ पे। आधा चम्मच लिए अजवाइन, इसको हाथों के बीच में रख के क्रश करके थोड़ा सा इसके अंदर ऐड कर देंगे। 1 चम्मच लिए मैंने यहाँ पे कसूरी मेथी, इसको ज़्यादा भी नहीं डालेंगे वरना आपकी मटरी थोड़ी कड़वी हो जाएगी। तो इनको भी हाथों के बीच में रख के क्रश करके मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और आधा चम्मच डाल रही हूँ मैं इसके अंदर बेकिंग पाउडर, जिससे कि हमारी जो मटरी है बहुत खस्ता बनेगी। और अब इन सारी चीज़ों को पहले हम मिक्स कर लेंगे यहाँ पे। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, यहाँ पे लिया है मैंने 4 चम्मच घी, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। आप इसकी जगह पर रिफाइंड का भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ घी का, वो इसके अंदर अच्छे से ऐड कर देंगे। और अब इनको अच्छे से घी को इसके अंदर मिक्स कर लेते हैं। इसके अंदर मोइन अच्छे से होना चाहिए जिससे कि हमारी जो मटरी है वो बहुत ही खस्ता बन के रेडी हो गई। हमारे मैदे के अंदर मोइन परफेक्ट डला है। इसको देख चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इस आटे को ऐसे एक बार बांध के देखेंगे। तो देखिए अच्छे से बन रहा है, इसका मतलब मोइन हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, एक टाइट डो लगाएंगे, सॉफ्ट तो बिल्कुल नहीं लगाएंगे, और पानी हम बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे इस तरीके से, और इसका एक टाइट डो लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे एकदम टाइट डो बन के रेडी हो गया है। अभी हम इसको कवर करके 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। देखिए डो को रखे हुए यहाँ पे 15 से 20 मिनट हो गए हैं। अभी हम इसको थोड़ा सा मसल के सेट कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं, इसको हल्का सा ही मसलेंगे। अब हम इसमें से छोटी छोटी लोइयां बनाएंगे। पहले इस आटे को अच्छे से तोड़ लेते हैं और फिर हम इसमें से छोटी छोटी ऐसे लोइयां बना देंगे। इस तरीके से सारे लोइयां मैंने तोड़ लिए। अब हम इसमें से एक लोई लेंगे और इसको हथेली के बीच में रख के ऐसे प्रेस कर लेंगे, देखिए इस तरीके से। और सारी मटिया ऐसे बना के रेडी कर लीजिए। और जो आपको ये क्रैक्स दिख रहे हैं, ये क्रैक्स का मतलब है कि आपका डो बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी हुआ है। तो इस तरीके से पहले हम सारी अपनी मटरियाँ बना के रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई के अंदर ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है, और यहाँ पे फ्लेम को मैंने लो किया हुआ है, और हम इसको लो फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे, और तेल बिल्कुल मीडियम गर्म है, हाई फ्लेम पर इसको नहीं बनाएंगे। तो अब जो हमने अपनी मटरियाँ बनाई है वो इसके अंदर डाल लेंगे। मैंने मठरियों के इसके अंदर डाल दिया, अभी हम इसको बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। देखिए ये हमारी मठरी है जो फूल के ऊपर आ गई है, अभी इनको इधर से सिकने देंगे। तो अभी हम इनको फ्लिप कर लेंगे, मतलब इनको पलट लेंगे, और दोनों साइड से अच्छा गोल्डन कलर आने तक अलट पलट करते हुए हम इनको अच्छे से फ्राई करेंगे। देखिए दोनों साइड से अच्छे से सिक गई हैं। अभी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम कर लेंगे जिससे कि इनके अंदर ऑयल ना जाए। तो मीडियम फ्लेम पे हम इसको 1 से 2 मिनट तक और सेक लेंगे। तो देखिए दोनों साइड से अच्छे से सिक गए, अब हम इनको निकाल लेंगे। तो यहाँ पे बनके रेडी हो गई हमारी एकदम खस्ता करारी वाली मटरी, और देखिए देखने में कितनी लाजवाब लग रही है। तो फ्रेंड अगर रेसिपीज अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।